आम चुनाव की पृष्ठभूमि में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में। विपक्ष के इस महाजुटान में विभिन्न राज्यों से 28 पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हुए। मुंबई के आलिशान ग्रैंड हयात होटल में इंडिया गठबंधन की दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसकी अगवानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने दरअसल पहले ही दावा किया था कि मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे नित शिवसेना के नेता उदय सामंत ने इस बैठक के खर्चों पर बड़ा दावा किया। कहा जा रहा है ग्रैंड हयात होटल में 100 से ज्यादा कमरे बुक किए गए। होटल के आसपास के होटलों में भी कमरे बुक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उदय सामंत ने कहा, इस बैठक के लिए 45,000 रुपयों की 65 कुर्सियां मंगाई गई हैं। 14 से 15 घंटे के कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जब हम गुवाहाटी गए तो हमारे होटल के खर्चे पर सवाल उठाए जा रहे थे, जबकि अब ग्रैंड हयात होटल में कमरे के लिए करीब 30,000 रुपए चुकाए जा रहे हैं। ग्रैंड हयात में एक कमरे का भाड़ा 25 से 35,000 रुपए। मुंबई मीटिंग की जिम्मेदारी शिवसेना और एनसीपी पर है, हालांकि कांग्रेस की ओर से लंच की व्यवस्था की गई। बैठक में 28 दल के 65 नेता शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र में मेहमान नवाजी को लेकर गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया प्रकाशित की गई। सामना ने लिखा, राहुल ने मुंबई मीटिंग के आयोजन की तारीफ की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी आयोजन को भव्य बताया। इसके अलावा अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मीटिंग की व्यवस्था पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर नेताओं के स्वागत के लिए कांग्रेस और एनसीपी के प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे, जबकि होटल के बाहर संजय राउत और सुप्रिया सुले ने नेताओं का स्वागत किया। आयोजन को सफल बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने करीब 3 राउंड की मीटिंग की थी। 4,500 की प्लेट, 12,000 का कमरा, कुल खर्च कितना, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के करीब 10 एकड़ में बना है ग्रैंड हयात का 5 सितारा होटल। इसकी शुरुआत 2004 में हुई। होटल की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर स्वीट है, बहुत सारे रूम हैं, अपार्टमेंट्स हैं, साथ ही मीटिंग के लिए कॉमन हॉल भी है। रिपोर्ट की माने तो 65 नेताओं के लिए करीब 80 कमरे बुक हैं। इसके अलावा मीटिंग के लिए कॉमन हॉल की भी व्यवस्था की गई। होटल के वेबसाइट के मुताबिक एक कमरे का किराया करीब 12,000 रुपये है। टैक्स जोड़कर कुल खर्च 13 से 14,000 का हो जाता है। कॉमन हॉल का खर्च अलग है। मंत्री उदय सामंत के मुताबिक 54,000 रुपया तो सिर्फ कुर्सी पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने खर्च किया। उन्होंने कहा था 45 से लेकर 54,000 तक का खर्च हुआ है एक कुर्सी पर। सामंत के मुताबिक ग्रैंड होटल में खाने के एक प्लेट की कीमत 4,500 रुपये है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए होटल में महाराष्ट्र के पारंपरिक भोजन की व्यवस्था की गई। इनमें वड़ा पाव, झुमका भाकर, बहुत सारी चीज़ें। 31 अगस्त के डिनर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध व्यंजन वड़ा पाव, पूरणपोली, श्रीखंडपुरी, भरे हुए बैंगन, साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। होटल के वेबसाइट की रेट लिस्ट के मुताबिक एक प्लेट वड़ा पाव की कीमत है 700 रुपये। ग्रैंड हयात होटल के भीतर 6 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें एक प्लेट खाने की औसत कीमत 4 से 4,500 हो जाती है, 4,000 से 4,500 के बीच। मीटिंग के करोड़ों रुपए के खर्च के सवाल पर शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे कहते हैं, पहले बीजेपी और शिंदे के लोग बताएं कि सूरत और गुवाहाटी चार्टर प्लेन की व्यवस्था किसने की थी, वहाँ होटल में ठहरने का इंतजाम किसने किया था। बेंगलुरु की मीटिंग में भी विवाद हुआ था। इंडिया गठबंधन के बेंगलुरु मीटिंग में भी दरअसल विवाद इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी और जेडीएस का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने नेताओं के स्वागत के लिए आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी। बेंगलुरु में 2 दिन की बैठक का इंतजाम कर्नाटक कांग्रेस कमेटी की ओर से हुआ। जेडीएस के नेता कुमार स्वामी ने आरोप लगाया था कि विपक्षी नेताओं की सेवा में राज्य सरकार ने 30 आईएएस अधिकारी को तैनात कर दिया, जो सर्विस नियम के खिलाफ है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना था कि सबकी तैनाती नियम के अनुसार हुई थी। सिद्धारमैया का कहना था कि दूसरे राज्यों से आए मुख्यमंत्री राज्य के अतिथि होते हैं। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि यह परंपरा पहले भी रही और यहाँ इसी तरीके का प्रोटोकॉल होता है, जिसका उल्लंघन नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।